वाराणसी में भी दिख रहा है पलायन का असर। सैकड़ों की संख्या में आज अचानक रोडवेज बस स्टैंड पर आने से प्रशासन में मचा हड़कंप। लॉकडाउन होने के लगातार अवधि बढ़ने के बाद पूरे देश में आम लोग पलायन होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर देखने को मिला। अचानक सैकड़ों की संख्या में यात्रियों के आ जाने से जहां लॉकडाउन टूटा, वहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया। अचानक सैकड़ों की संख्या में यात्रियों के आ जाने के बाद प्रशासन सकते में आ गई। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर यात्रियों को दूरी बनाकर बिठाया। यात्रियों ने बताया कि हमारे पास पैसे के अभाव से हम अपने घर से बेघर हैं। मजबूरन हमें घर में जाना ही होगा, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं से पैदल दूर से चलकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं और हमें अपने स्थान पर जाना है। प्रशासन हमें अपने घर तक पहुँचाए। बस से जाएंगे तो बस तो अभी जाएगा नहीं 14 अप्रैल तक, तो फिर कैसे आप लोग रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे? तो खाने के लिए कुछ नहीं है तो घर तो जाना ही पड़ेगा। आपके पास छोटा सा बच्चा भी है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको खाना भी चाहिए और रहने के लिए भी जगह भी चाहिए, तो इस समय आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कैसे आप रहेंगे? और राशन पानी भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो पैसे नहीं है तो आप घर पे तो जाएंगे, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे खाएंगे? सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।